डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप सब लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से रहिएगा। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं वाइट गार्निशिंग, जो कि राउंड वाली होगी। तो मैंने यहाँ पे वाइट कंपाउंड का यूज़ किया है एंड उसके बाद येलो लिक्विड कलर का यूज़ किया है। येलो लिक्विड कलर जो कि वाटर कलर है, मैंने कोई ऑयलर कलर या पाउडर कलर का यूज़ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लोग पूरी चॉकलेट में ही कलर को ऐड कर देते हो, इससे चॉकलेट ख़राब हो जाती है। तो सीट पे अगर आपको हल्का सा बैकग्राउंड देना हो तो उस पर आप कलर का यूज़ कर सकते हो, लिक्विड कलर का, पाउडर कलर का, कोई भी कलर का। तो आपको गार्निशिंग बनाने के लिए हमेशा आपको पतला से लेयर आपको लेना है कलरफुल, वरना आप लोग सोचोगे कि पूरा अगर हम लोग चॉकलेट को ही कलरफुल करना हो तो आप लोग इसमें लिक्विड कलर ऐड मत करना, वरना चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने लिक्विड कलर का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ बैकग्राउंड के लिए रखा हुआ है, और पीछे से मैंने वाइट कलर चॉकलेट का यूज़ किया। आप लोग ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो, याद रखना है नीचे वाला चॉकलेट थोड़ा सेट होना है, वो मेल्ट रहेगा तो आपस में कलर छोड़ देगा, मतलब वो मिक्स हो जाएगा उसी में। फिर उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग कर ली है, आप लोग देख लो कटिंग को मैंने किस तरीके से की है, उसके बाद मैंने किस तरीके से फोल्ड किया है। मैंने ये अलग केक भी आपको बना के दिखाया था कल की शॉर्ट्स में, और लॉन्ग वीडियो में भी बताया था कि मैंने ये अली गार्निशिंग बनाई है, तो मैं आपको बताऊंगा, और मैं कुछ यूट्यूब से रिलेटेड भी आपको बातें बताऊंगा भी। तो सबसे पहले इस तरीके से आप लोग देख सकते हो जो कि तिनकोने तरीके से मैंने काट लिया है, और इस तरीके से आपको हल्के हाथ से मोड़ना है। याद रखना है जब भी हम लोग फोल्ड वाली गार्निशिंग बनाएंगे, चॉकलेट मोल्ड हो जाए, इतना ही सेट हो, ये ना हो कि ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो वो मोल्ड करने पर टूट जाएगी, और ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो मोल्ड करने भी चिपक जाएगी। ये दो चीज़ें आपको नोटिस करनी होती है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गार्निशिंग निकल चुकी है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसे भी यूज़ करना चाहो यूज़ कर सकते हो। मैंने एक बार दिखा दिया, एक बार और भी आपको इसका एक और अच्छा सा केक बनता है उसको भी मैं आपको बता के दिखाऊँगा। तो इस केक की जो वीडियो थी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं ऑन की थी, मुझसे मिस्टेक हो गई थी। बट अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ यूट्यूब के लेके, कि जब भी आप किसी की वीडियोस को यूज़ करते हो तो आपको रीयूज्ड कंटेंट का आ जाता है ऑप्शन। देखो क्या होता है रीयूज्ड कंटेंट, मतलब होता है कि ये वीडियो यूट्यूब पे पहले से पड़ी है। बट एक चीज़ और भी होती है, देखो क्या करते हैं कि अगर आपको आपके पास वीडियोस नहीं है, मतलब कैसे मैं आपको समझाऊँ इसके बारे में पूरी डिटेल्स वीडियो मुझे लग रहा है बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में आपको नहीं समझ में आएगा। तो मैं एक पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको कैसे किसी की वीडियो यूज़ करना है, और फिर कैसे अपना चैनल बनाना है, और फिर अपने वीडियोस को कैसे लाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग अपने वर्क पे ध्यान दो, चैनल क्रिएट कर लो, और किसी की भी वीडियो यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। अभी आप लोग कंटिन्यू करो, फिर मैं बताऊँगा आगे क्या करना है आपको। तो अभी फ़िलहाल तो ये केक मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था, वो अचानक क्या हुआ कि उसके बाद ये ब्लू वाली डिज़ाइन जब मैं मार रहा था तो वहाँ पे कैमरा ऑन ही नहीं था। फिर इसके बाद मैंने दो इम्यूजीज वाले केक बनाए थे जो कि वनीला फ्लेवर पे था, और यहाँ पे मैंने वाइट जेली पे येलो कलर ऐड करके उसको बैकग्राउंड थीम दिया था, जो कि इम्यूजी का अक्सर जो थीम्स होते हैं। तो मुझसे कुछ मिस्टेक भी हो गई थी इसमें, तो मैंने बहुत ही आराम आराम से बनाया है, आप लोग देख सकते हो। तो इम्यूजी बनाना तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, बट एक चीज़ इसमें नोटिस करने वाली होती है कि आपकी आइसिंग परफेक्ट हो, और आपके डिज़ाइन जो कि आप लोग ड्रॉ कर रहे हो वो आपके अच्छे होने चाहिए, बाकी उसमें कुछ भी नहीं खास होता है। तो इम्यूजी केक मतलब देखने में अच्छा लगता है और सिंपल है, एंड आप लोग को मैं और आइसिंग करने के लिए भी बताऊँगा, बट आगे वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी। बट आइसिंग करने का आप लोग को सिंपल एक सीधा रूल बता देता हूँ कि एल एल मतलब समझ रहे हो, एल मतलब होता है कि साइड की जो नाइफ हम लोग चलाते हैं वो हमेशा सीधी होनी चाहिए, और ऊपर की पैलेट नाइफ भी हम लोग सीधी से ही चलाएंगे। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ जो होम बेकर्स हैं उनकी स्टार्टिंग ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से अभी हम लोग शुरुआत करेंगे, किस तरीके से शुरुआत करेंगे, और मतलब अपने मतलब उनको अभी स्टार्टिंग में ये समझ नहीं आता। बट मैंने जो नौकरी की है और मैंने जो काम किया है, जो सीखा है, वो एक जॉब के थ्रू थी सीखा है, तो वीडियो के थ्रू समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है,
और आप लोग को सीखना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट हो जाएगा। बहुत सी होम बेकर्स हैं जो अभी करने लगी हैं, तो आप लोग भी करने लगोगे, टेंशन की बात नहीं है। आप लोग ये मत सोचो कि नहीं होगा, होगा, सबसे होगा। और ये मेरी दोनों केक्स हो गए रेडी, एक बॉय एक गर्ल। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए सबको टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।